हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद समर में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं सीबीआई में आई इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी के बारे में सभी जानकारी दूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी पहुँचे और वो भी जान सके इस वैकेंसी के बारे में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीआई रिक्रूटमेंट 2019, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 59 इंस्पेक्टर वैकेंसी। तो दोस्तों, सीबीआई में 59 पदों पर इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में 59 इंस्पेक्टर की भर्ती आई है, और यह भर्ती दोस्तों ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। और इसका फॉर्म स्टार्ट रहा है दोस्तों 4 जून 2019 से, तथा इसके आवेदन का लास्ट डेट होगा 15 जुलाई 2019। तो चलिए दोस्तों, सभी डिटेल्स आपको बता देता हूँ इसमें। तो नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों, देख सकते हैं नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन जो होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में सीबीआई भी कहा जाता है। नेम ऑफ़ द पोस्ट की बात करें हम तो दोस्तों, नेम ऑफ़ द पोस्ट आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर के लिए भर्ती निकली है इसमें। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें कुल 59 पदों पर वैकेंसी निकली है, और यह जॉब कैटेगरी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होगा ये, और जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के लिए होगा। और दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं www.cbi.gov.in। तो दोस्तों, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंस डेट की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट आया है 4 जून 2019 को, और इसका डेट स्टार्ट है यानी कि ऑनलाइन का डेट स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 4 जून 2019 से, तथा इसका लास्ट डेट होगा 15 जुलाई 2019। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों वैकेंसी डिटेल, 59 पदों पर वैकेंसी निकली है इसमें। तो दोस्तों, नेम ऑफ द प्लेस की बात करें और नेम ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो भोपाल में आप देख सकते हैं इसमें सीबीआई एसीबी भोपाल में 2 पद है, जबलपुर में 1 है, रायपुर में 1, और अमरावती में 1 पदों पर वैकेंसी है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 2 पदों पर है, और श्रीनगर में 1 पद के लिए वैकेंसी है। चेन्नई में दोस्तों बात करें तो इसमें तिरुवनंतपुरम में 2 वैकेंसी है। अगर हम बात करें दिल्ली की तो इसमें 15 पदों पर वैकेंसी है, हैदराबाद में 1 पद है, विशाखापट्टनम में 2 पदों पर वैकेंसी है, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बेंगलोर में 3 पदों पर वैकेंसी है। बात करें अगर हम कोलकाता की जोन में तो यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई के लिए 4 है, गोवा के लिए 1, पुणे के लिए 1, और गांधीनगर के लिए 1 वैकेंसी है। तो इस तरह दोस्तों कुल टोटल 59 पदों पर वैकेंसी निकली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों हम तो यहाँ पर देख सकते हैं मस्ट बी रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। तो दोस्तों, यह वैकेंसी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के लिए भर्ती निकली है, और यह सेंट्रल या स्टेट में पुलिस फोर्स के लिए निकली है। और दोस्तों, जो अभ्यर्थी इंस्पेक्टर रैंक के सेंट्रल या गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस फोर्स में इंस्पेक्टर रैंक के हो और रिटायर्ड हो, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं दोस्तों, आप कम से कम 10 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। दोस्तों, इसकी एज लिमिट आयोग के नियमानुसार होगी, और इसकी छूट भी इसमें आयोग के नियमानुसार ही होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो दोस्तों, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। बात करें दोस्तों सैलरी की, तो इसकी सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ की होगी, यानी कि दोस्तों पर मंथ की जो सैलरी आपको दी जाएगी 40,000 रुपये होगी।
और दोस्तों इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देना होगा, यानी कि आवेदन के लिए फॉर्म फीस शुल्क फ्री होगा। तो दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को यही स्टेप फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्लिक ऑन द CBI एप्लीकेशन फॉर्म, एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन CBI एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद दोस्तों आपको इसके फीस का भुगतान करना होगा। तो इसमें दोस्तों फीस का भुगतान, फीस तो है नहीं, तो आपको फीस का भुगतान नहीं करना होगा इसमें। उसके बाद आपको अटैच ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ यदि ज़रूरत हो। उसके बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर देना है। तो दोस्तों यह भर्ती ऑफलाइन है, सॉरी मैंने पहले इसमें ऑनलाइन भी बोल दिया था, यह भर्ती ऑफलाइन है। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको फॉर्म भरने के बाद इसी पते पर इस फॉर्म को भेजना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, 5B इन फ्लोर AB, विंग CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, पिन कोड 11003। तो दोस्तों इसी पते पर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देना है। तो दोस्तों पोस्टल एड्रेस देख सकते हैं यहाँ पे आप, भोपाल के लिए जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं, चंडीगढ़ के लिए हेड ऑफ जोन डायरेक्टर CBI चंडीगढ़ जोन सेक्टर 30A चंडीगढ़, चेन्नई के लिए देख सकते हैं दोस्तों चेन्नई का जो ये होगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोलकाता के लिए दोस्तों है, हैदराबाद के लिए है जो एड्रेस है ये। तो दोस्तों ये थी भारतीय CBI में इंस्पेक्टर की। तो फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद समर को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए।